वेलकम, स्वागत करती हूँ फिर से मेरी नई और एक वीडियो में। आज का वीडियो शेयर करेंगे हेयर केयर के साथ। तो हमने सोचा हमारा बाल बहुत ही झड़ने लगा, टूटने लगा है, मतलब आज हम घरेलू तरीके से अपना बालों का केयर करेंगे। तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करो। तो देखिए हम कैसे अपनी घरेलू घर में मिलने वाली चीज़ों से कैसे हेयर का केयर करते हैं। तो आइए देखिए, ये है गुड़हल फूल का पत्ता, जो कि हम यहाँ से 3-4 पत्ता लेंगे और आंवला जो है उसके साथ ये मिलाएंगे। ये आप देखिए, ये है आंवला। हमने आंवला का जो अंदर का गुटी है उसको निकाल के रख लिया है। और ये है गुड़हल फूल का पत्ता, जो कि हम अच्छी तरीके से धो के ले लिया है। तो अब हम इसको पेस्ट बनाएंगे, अच्छे से महीन करके पेस्ट बनाकर हमारी बालों में लगाएंगे। तो आप लोग ऐसे भी ले सकते हो, इसका जो अंदर का चीज है उसको आप नहीं निकाल करके भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने उसको निकाल लिया है। देखिए हमने अच्छे से इसको पेस्ट कर लिया है। अब हम कैसे अप्लाई करते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। हमने इसको हाथों से पेस्ट बनाया है, आप लोग चाहो तो मिक्सी में भी पेस्ट बना सकते हो। तो देखिए हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो हमको ऐसे लगाना पड़ेगा। तो हम भी बहुत अच्छी तरीके से इसको लगाएंगे। इसको 1 घंटा या 2 घंटा, आप 2 घंटा भी रख सकते हो, जितना टाइम चाहो आप इसको लगा के रख सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1 घंटे के बाद ही आप ये धो सकते हो। अब हम बिल्कुल अच्छे से अपने बालों को धो के आ गए हैं। वो जो पेस्ट हमने लगाया है वो पेस्ट अपनी बालों को घना बनाने के साथ साथ दिमाग को भी ठंडा रखता है। मतलब आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, आप लोग भी ये घर में घरेलू चीज़ों से मिलने वाली होममेड तरीका यूज़ कर सकते हो बालों को अच्छा बनाने के लिए, तो मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरा वीडियो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगा तो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए बाय।